हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू आवर चैनल जोगराज ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हमारे न्यू 2 BHK का होम टूर, जिसे हमने लेटेस्टली लिया है क्योंकि हम इस घर से उस नए घर में शिफ्ट करें। तो हमने सेम सोसाइटी के दूसरे बिल्डिंग में ही फ्लैट लिया है, तो चलो हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं एंड आपको होम टूर कराते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल्सो। सो लेट्स गो। लेट्स कम इनसाइड दिस ब्यूटीफुल 2 BHK होम जो हमने अभी रिसेंटली लिया है। तो दिस इज दी हॉल। अभी पूरा घर एम्प्टी है, तो मैं पहले आप लोगों को पूरे एम्प्टी घर का दिखा रही हूँ वीडियो, बाद में मैं आप लोगों को घर में शिफ्ट होने के बाद का वीडियो दिखाऊंगी। सो यहाँ पे हॉल से गैलरी है। तो दिस इज दी गैलरी एंड ये जो हाउस है ये गार्डन फेसिंग है, तो यहाँ से सामने गार्डन का व्यू आता है काफ़ी अच्छा था। एंड यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिन दिया हुआ है, सो दिस इज दी कॉमन बेसिन एंड यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है। सो दिस इज दी मास्टर बेडरूम। दोनों जो रूम हैं उनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड यहाँ पे भी सेम बड़ी सी विंडो है। एंड स्पेशल थिंग यहाँ पे प्लग पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, क्योंकि प्लग पॉइंट्स नहीं होते तो काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। एंड दिस इज दी वॉशरूम। सो हमारे पुराने घर के कंपेरिजन में यहाँ पे वॉशरूम्स काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पे ऊपर टंकी वगैरह भी दी गई है। तो हम लोग बेड कहाँ लगाएंगे यहाँ पे देखते हैं। तो इस बार हम बेड यहाँ पे लगा लेते हैं एंड एलमीरा हम यहाँ पे सामने कर देंगे, थोड़ा सा लुक चेंज कर देंगे। वो सामान आने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ, लेट्स सी हमारा बेड कितना बड़ा होता है। सो दिस इज द किचन। स्पेशल थिंग थी मॉड्यूलर किचन, क्योंकि मुझे मॉड्यूलर किचन ही चाहिए था। तो यहाँ पे ऑलरेडी टॉयलेट्स वगैरह सब बनाए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है किचन का सारा सामान रखने के लिए। एंड ये यहाँ पे हाइड्रोलिक्स भी बनाया हुआ है, तो हाइड्रोलिक्स को यूज़ करने में काफ़ी आसान होता है, इसे आप इजली ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो ये जो किचन है वो हमारे पुराने किचन के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। पहले वाला किचन छोटा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एल शेप में है किचन, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है एंड यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए भी अलग से ऑलरेडी स्पेस बनाया हुआ है, तो काफ़ी अलग सा स्पेस है फ्रिज के लिए। हमारा फ्रिज यहाँ पे आराम से सेट हो जाएगा। एंड जो पहले रह रहे थे शायद उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से इसमें पेपर लगाया हुआ है, क्योंकि सामने से ना यहाँ से पैसेज पार्क व्यू होता है, तो लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लोग यहाँ पे विंडो में इस तरीके से पेपर लगा देते हैं। गाइज, बस ये था हमारे न्यू 2 BHK का टूर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे घर काफ़ी पसंद आया, क्योंकि काफ़ी फ्रेश लग रहा है एंड हमारे पुराने वाले घर के कंपैरिजन काफ़ी फ्रेश है। अगर हमारा पुराना वाला जो घर था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि हमें यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, बहुत सारा काम करना है, तो वो आगे के ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जोगराज ब्लॉग। बाय, टेक केयर।